गाइस अभी जस्ट नमाज पढ़ के निकला हूँ मस्जिद से जोहर की, और अभी घर जा रहा हूँ मैं खाना खाने, और साथ में अमान भी। कैश निकालना था बैंक से, एटीएम से, तो मैंने कैश निकाला जैसी, और उसमें मशीन घूमती है ना, वो काउंट करती है, जो वो घूमी और उसके बाद लाइट चली गई, तो मेरे ना पैसे बाहर आए, अंदर ही रह गए, और मेरे फोन से पैसे भी कट गए। तो बस उसी डिटेल में मैं गया थोड़ा बैंक पर। बोल मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था, ये कप मंगाया था, चेक करो। अरे निकल भाई। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, एक नए फ्रेश ब्लॉग में सभी का स्वागत है। सो गाइस आज मंडे, सो आज बारिश छुट्टी है। देखिए कल देखा आपने संडे था, कल सुबह सुबह संडे रहा, घर ही पर रहे, कहीं जाने का हुआ नहीं बारिश की वजह से। तो आज है मंडे फाइनली, और थोड़ा मौसम खुला है आज, देखो आज मौसम खुल रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको, चेक करो। वो चेक करो गाइस, कितना प्यारा व्यू है। सो गाइस आ गया मेरा नाश्ता, मिल्क सेवई, हाफ फ्राई एग और रोटी, इसे खा लेता हूँ फटाफट से, फिर जाऊँगा मैं शॉप। तो गाइस शॉप खोल ली है और शॉप पर बैठ गया हूँ अभी फ़िलहाल, जस्ट सारा काम करके निपटा हूँ। सो अभी शॉप पर ही हूँ मैं, नाश्ता करके, मैं जैसे कि आपको बताया मैंने नाश्ता कर लिया था। और आज देखो ना यार, मौसम कल खुलना चाहिए था और आज खुला मौसम, क्या कर सकते हैं, अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। सो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। और सो गाइज अभी जोहर की नमाज का टाइम हो चुका है, सो मैं नमाज जा रहा हूँ फोन, और अभी मैं घर जा रहा हूँ। घर के अभी पहले नमाज जाता हूँ, नमाज पढ़ के आता हूँ, उसके बाद जाऊँगा घर। मोबाइल गए थे मस्जिद। सो गाइज अभी जस्ट नमाज पढ़ के निकला हूँ मस्जिद से जोहर की, और अभी घर जा रहा हूँ मैं खाना खाने, और साथ में अमान भी। आ गया हूँ मैं घर खाना खाने, खाना आ चुका है मेरा, दाल चावल करेले की सब्जी और अचार। सो यह है देखो करेला, मेरे को तो बहुत पसंद है, मैं खाता रहता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। सो ये अचार और ये दाल चावल खा लेता हूँ फटाफट से खाना। तो गाइस खाना खा लिया था, और अब पपीता आ गया, पपीता खा लेता हूँ फटाफट से, दैन उसके बाद मैं जाऊँगा शॉप पर, ठीक है। तो गाइस फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं है, लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, किस वजह से लाइट नहीं है, वैसे तो लाइट थी, आज लाइट नहीं आ रही है। सो मेरा फ़ोन 5% चार्ज है, मुझे ब्लॉग भी अपलोड करना है, बनाना भी है, पता नहीं कैसे होगा। तो अभी मेरे साथ बैठे हैं जावेद भाई, जब्बू और फरमान साथ में। सो देखते हैं अभी क्या होता है, अगर लाइट आती है तो मैं चार्ज लगाऊंगा फ़ोन, क्योंकि मुझे पब्लिक करना है। अभी मैंने एडिट करके सब करके रख दिया, अपलोड भी कर दिया, बस पब्लिक करना है। सो अभी देखते हैं कब तक लाइट आती है, लाइट जल्दी जल्दी आ जाए। होप मेरा फ़ोन चार्ज है, क्योंकि बिल्कुल डाउन होने वाला है, इसके बाद बंद हो जाएगा स्विच ऑफ। 3 या 4% या 5% है समथिंग फ़ोन है, 5% तो अभी था, वीडियो बनाने के बाद क्या पता 4% हो जाए। तो देखते हैं। करके नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहा हूँ, और मैंने फ़ोन मेरा बिल्कुल चार्ज नहीं था, तो मैंने पावर बैंक के थ्रू चार्ज करा, लाइट नहीं आ रही थी, तो अब तो फाइनली आ गई है लाइट। तो अभी फ़िलहाल दुकान जाऊँगा, फ़ोन चार्ज करूँगा थोड़ा, और ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है, अभी जस्ट कराया थोड़ी देर पहले, तो देख लीजिएगा आप उसे। और मेरे साथ जब्बू खड़े हैं यहाँ पे, देखो कितने सारे शख्सियत खड़ी है, ठीक है। शायद आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मैंने ये सुना कि आप बहुत अच्छे ब्लॉग कर रहे हैं, देखेंगे घूमने जाने का, आप बहुत लंबा टूर पे जा रहे हैं, मैं आपके हर ब्लॉग देखता हूँ। तो गाइस अभी मैं फिलहाल शॉप जाता हूँ, और उसके बाद सुबह पर अभी मौसम चेक कर सकते हो। बोल हाँ भाई सिस्टम, मौसम चेक करो गाइस कितना मस्त हो रहा है, ऑसम मौसम, मज़ा आ गया भाई। अंदर चेक करो गाइस कितने सारे आ रहे हैं, पुल में राज रहता है इनका शाम के टाइम पे। सो गाइस अभी आया हूँ मैं फ़िलहाल शॉप पर हूँ, और बैंक गया था कुछ काम से, वो मैंने कैश निकालना था बैंक से, एटीएम से, तो मैंने कैश निकाला जैसी, और उसमें मशीन घूमती है ना, वो काउंट करती है, जो वो घूम गई और उसके बाद लाइट चली गई, तो मेरे ना पैसे बाहर आए, अंदर ही रह गए और मेरे फ़ोन से पैसे भी कट गए। सो बस उसी डिटेल में मैं गया थोड़ा बैंक पे। सो उन्होंने कहा आ जाएंगे 24 घंटे में, नहीं तो 3 दिन के अंदर आ जाएंगे। सो होप आ जाएँ, वैसे आ ही जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं शॉप पर बैठा हूँ, मेरे पे टाइम होने वाला है, हाँ 6:20 हो गया है। फिर हाथ में घड़ी पहनी हुई मैं इधर उधर देखता रहता हूँ, आदत हो गई ना। सो फिलहाल मैं शॉप पर हूँ, मेरे पे टाइम हो जाएगा, नमाज जाऊँगा। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था, ये कप मंगाया था, चेक करो। अरे निकल भाई, ये देखो कुछ ऐसा कप, ये ढक्कन इसका अंदर से ऐसा है पूरा। नमाज वगैरह पढ़ लिया गाइस और अभी अब टाइम हो रहा है, 7 बजने वाले हैं। तो देखो दिन कितने छोटा हो गया, 7 बजे कितना अंधेरा हो गया देखो, है ना। स्ट्रीट लाइट ऑन हो गई है मार्केट की और यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, काला अंधेरा। और रात को बादल आसमान में देखो ना, फिर से मौसम चेंज होता हुआ। तो देखते हैं क्या होता है, बारिश तो आएगी ऑब्वियसली रात को। तो गाइज़ मैं फ़िलहाल अभी थोड़ी देर में शॉप बंद कर दूंगा क्योंकि तो गाइज़ शॉप बंद कर लिया है अभी और मैं जा रहा हूँ घर। तो पीपल ईशा की नमाज जा रहा हूँ, वही सेम जगह से जहाँ से मैं जाता हूँ, ऊपर से एक नीचे से रास्ता जाता है। वैसे दिन में जब मैं जाता हूँ तो नीचे से ही जाता हूँ, अभी मैं रात को जाता हूँ तो यहाँ से, क्योंकि घर से नज़दीक पड़ता है मेरे ये। और बस मैं पहुँचने वाला हूँ, अभी पहुँच चुका हूँ मस्जिद में। तो गाइज़ मैंने नमाज़ पढ़ी है ईशा की और पढ़ के बाहर आ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में घर निकलूँगा। और नमाज़ तो की मैंने पढ़ ली ईशा की। तो गाइज़ नमाज़ नमाज़ पढ़ के जा रहे हैं घर पे। तो अमान भी है साथ में, सलाम वालेकुम सलाम करा करो भाई। सो गाइज़ अभी मैं नमाज़ नमाज़ पढ़ ली है, अब मैं जा रहा हूँ घर खाना खाने। सो अप्रॉक्स 9 बजने वाले हैं। तो गाइज़ ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और पसंद आएगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जैसे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।